Good morning, dear students. Welcome back to your online classes. Today we will discuss the chapter 2 in your economics. Chapter 2, sectors of the Indian economy. In previous class we have already discussed of what is the means of economics. हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया था कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता क्या है. इसमें हमने काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा था. तो फर्स्टली वी हैव डिस्कस द व्हाट इज़ द मीन ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स द ब्रांच ऑफ नॉलेज एंड कंसर्न विद द प्रोडक्शन कंजप्शन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ. अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे क्या, कि ये एक तरह की इस सब्जेक्ट में स्टडी की जाती बेटा प्रोडक्शन कंजप्शंस मनी ट्रांजेक्शंस के बारे में पढ़ा जाता है. तो अब इस चैप्टर में अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 की. चैप्टर 2 में है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. तो हमें पता लग हम बात करेंगे इस चैप्टर में कि हमें इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमी है इस चैप्टर में हम इंडियन इकोनॉमिक की बात करेंगे. तो डेफिनेटली हम इंडियन इकोनॉमिक की बात करेंगे. तो इकोनॉमिक किससे रिलेटेड है बेटा, अर्निंग सोर्स. और अर्निंग सोर्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी. इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अर्निंग सोर्स कौन करेगा, इज द ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज़. अब हम बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने वाला भी कौन होगा, ह्यूमन बीइंग होगा. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द मीन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. दोज एक्टिविटी डन बाय द ह्यूमन बीइंग दिस इज कॉल्ड द ह्यूमन एक्टिविटी. फिर हम बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. फर्स्टली डिस्कस द इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी आर कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एंड सेकेंड टर्म इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन ओनली फॉर फिजिकल एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन विदाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी आर कॉल्ड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इसका मतलब ये होता है बेटा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है, कि आपको नाम से पता लग रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक मतलब जब आप इसमें जो टर्म्स जो मैंने बताए उसमें पता लग रहा है कि जो भी काम पैसा कमाने या अर्निंग सोर्स के लिए जो किया जाता है दिस इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब इसी के ऑब्वियस में पढ़ते हैं हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो फिजिकल और मेंटली सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती है, जिसका मोटो या ऑब्जेक्ट अर्निंग्स करना नहीं होता है. वो हमारे सेटिस्फैक्शन लव अफेक्शन के लिए जो काम किया जाता है वो क्या कहलाएगा, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अभी जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो पढ़ाने से या स्टडी कराने से मुझे क्या मिलेगी, उसकी फ़ी मिलेगी या सैलरी मिलेगी. दिस इज़ कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी. और यही काम अगर मैं मेरे घर जाके मेरे चाइल्ड को या मेरे बच्चे को पढ़ाती हूँ दिस इज़ कॉल्ड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्योंकि मैं मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या पैसा थोड़ी लूँगी. तो जो भी काम मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए किया जाता है दिस इज कॉल्ड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी या इकोनॉमिक सेक्टर. ऑन द बेसिस ऑफ एनी क्राइटेरिया इनटू डिफरेंट ग्रुप्स दिस ग्रुप इज इन विच डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड आर ऑल्सो कॉल्ड द सेक्टर्स. ठीक है बेटा, ये जो ग्रुप अलग अलग इसमें डिवाइड किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेक्टर्स कहलाते हैं. दीज सेक्टर्स इकोनॉमिक सेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट. फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकंड इज सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड इज टर्शियरी सेक्टर. फर्स्टली वी विल डिस्कस द प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज द एग्रीकल्चर सेक्टर. There are many activities which are performed using the natural resources. This is called the primary sector. For example, the cultivation of jute, which depend on the cultivation of jute plant.
फॉर द ग्रोइंग ऑफ जूट प्लांट. वी डिपेंड ऑन द नेचुरल फैक्टर लाइक द रेनफॉल, सॉइल, हीट, क्लाइमेट. इसका मतलब है बेटा कि इस सेक्टर के अंदर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो एग्रीकल्चर्स हैं, एग्रीकल्चर जिसमें फिशिंग, फॉरेस्टिंग, ये सब इसके एग्जांपल हैं. ये इसी में आते हैं. जिसकी बात हम अगर हम सके उसमें सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो रॉ मटेरियल्स रिगार्डेड है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने जूट का भी एग्जांपल दिया, उसी के साथ में कॉटन है. तो कॉटन है जो प्लांटेशंस का काम है, जो एग्रीकल्चर का काम है, वो किसके अंदर आएगा, किस सेक्टर में इंक्लूड होगा? प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होगा. इसका इसको प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोला जाता है. ये क्वेश्चन कितनी बार आता है? विच सेक्टर इज़ नोन एज द एग्रीकल्चर सेक्टर? ओके, इज़ द सेकेंड सेक्टर इज़ द सेकेंडरी सेक्टर. अब सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो द सेकेंडरी सेक्टर कवर दिस एक्टिविटी अंडर विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. सो ऑल द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन विच द मैन्युफैक्चरिंग वर्क इज डन टू चेंज द फॉर्म ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर. इसका मतलब है कि हमने फर्स्ट जो हमने पढ़ा था कि प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या पढ़ा था हमने? रॉ मटेरियल्स को पढ़ा था. इसके बाद में जो सेकेंडरी सेक्टर है वो इसी पे डिपेंड है कि फॉर एग्जांपल कॉटन, कॉटन का एग्जांपल मैंने आपको प्राइमरी सेक्टर में बताया था. अब कॉटन को प्रोड्यूस करके, उसको प्रोसेस करके, उसको हमने क्या बनाया? क्लोथ बनाया. तो ये जो प्रोसेसिंग हुई, मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेसिंग हुई, दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. क्योंकि डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहलाएगा. ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. इसका एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया दिया कि द कॉटन फाइबर वी गेट द नेचुरली इज सेंड द इंडस्ट्री टू द कन्वर्ट इन टू टेक्सटाइल. एंड द सेकेंड इज शुगर कैन विच द प्रोड्यूस द नेचुरली सेंड टू इंडस्ट्री इन ऑर्डर द चेंज टू द इन टू द शुगर. ये सारा क्या है? मैन्युफैक्चरिंग में आता है. और सेकेंडरी सेक्टर को किस सेक्टर के नाम से जाना जाता है? मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जाना जाता है. या इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है. लास्ट हमारा है कि टर्शियरी सेक्टर. टर्शियरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर. इसे किस नाम से जाना जाता है? सर्विस सेक्टर. देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कंप्राइज ऑफ दोज एक्टिविटी विच आर नॉट द कन्वर्ट अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर. This sector is considered as a link between the primary and secondary sector. This activity performed under this category do not produce goods themselves, but they help in their production. For example, the sugar cane produced under the primary sector will be sent to secondary sector to change into sugar. Through transportation is also necessary to store the goods produced in primary and secondary sector activity in godown. We also need to take loan from bank in order to execute this activity. इससे पता चलता बेटा जो ये एक्टिविटी है, जो ये दोनों सेकेंडरी और प्राइमरी से दोनों में को रिलेटेड होती है. जैसे एग्जांपल मैंने आप लोग को बताया कि शुगर कैन है. शुगर कैन किसका है? प्राइमरी सेक्टर से मिला है. उसको हमने कहाँ भेजा? मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजा. प्रोसेस करके क्या हो गया? शुगर बन गई. शुगर के बाद में अब शुगर तो बन गई, पर आप उसको क्या शुगर मिल में ही रखोगे? उसको मार्केट में नहीं लाओगे, गोडाउन में नहीं लाओगे. तो
जो यहाँ पे जो सर्विस जो प्रोवाइड कराई जाएगी ट्रांसपोर्टेशन की, वो क्या कहलाएगी? टर्सरी सेक्टर। वो किस में आएगी? टर्सरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर में। इसके नाम से पता चल रहा है सर्विस, कि उससे क्या प्रोवाइड हो रही है हमको, सर्विस हो रही है। और सर्विस की हम क्या देते हैं? फ़ी देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गई, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? सर्विस सेक्टर में आएंगी। बेटा मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक्सप्लेन किया, उसके साथ में मैंने इकोनॉमिक सेक्टर भी बताया। ये सारे आपको कंप्लीट करने हैं, इसी के रिगार्डिंग मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूँगी, वो आपको अच्छे से करने हैं अपनी रजिस्टर में। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।